राजनांदगांव लोकसभा के लिए मतगणना नई गंज मंडी में की जाएगी। बता दें कि भाजपा ने मतगणना के लिए नियुक्त मतगणना अभिकर्ताओं की जिला भाजपा कार्यालय में ट्रेनिंग आयोजित की थी, जिसमें मतगणना की बारीकियां बताई गई थी। साथ ही 17C के फॉर्म को कैसे डिस्प्ले में उपयोग करने की जानकारी भी दी थी। वहीं पोलिंग में लगे अधिकारियों के साथ सहयोग करने की बात भी कही है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, मतगणना के पूर्व जो मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति होती है उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम हम हर बार करते हैं। और उसी तारतम्य में आज जो 4 तारीख को जो मतगणना होनी है लोकसभा चुनाव की, उसके लिए आज मतगणना अभिकर्ताओं के प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया था। हमारे मुख्य चुनाव अभिकर्ता आदरणीय सुरेश लाल जी के द्वारा मतगणना अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। आज के कार्यक्रम में हमारे सांसद संतोष पांडे जी और जिलाध्यक्ष भी उपस्थित थे। सभी मतगणना अभिकर्ताओं से आग्रह किया गया कि 7 बजे आप सब स्थल पर पहुंच जाएं और उसके साथ जो कागज़ जो हमने जो चार्ट बनाया है उसको साथ में लेके जाएं, और जो 17C का फॉर्म है जो हमको बूथों में मिलता है उसका मिलान जब डिस्प्ले किया जाए उसके साथ करवा दिया जाए, और करवाने के बाद फिर जब परिणाम की घोषणा हो उसका भी जो अपने जो हमने चार्ट बनाया है उसमें उसको एंट्री कर लें, और अंत में ARO के पास उसको पहुंचा करके उनका आग्रह किया गया कि पूरे चुनाव तक आखिरी राउंड तक के हम सब वहां उपस्थित रहना है और पूरे परिणाम को लेकर के वहां से उठना है। एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये बोला गया है कि भाई चूँकि एक वहाँ अभियान है, महाकुंभ है, और हमारा भी दायित्व है राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम मतगणना अभिकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चुनाव की गणना में कैसे हम उनको सहयोग कर सकें और कैसे स्मूथ तरीके से ये मतगणना का कार्यक्रम हो सके, इसकी चिंता हमको भी करना है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से